हेलो दोस्तों, मैं संदीप, आप देख रहे हैं सक्सेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, SSSC 2019 का रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक पहले वीडियो बना रखी, कल इसका रिजल्ट पब्लिश हुआ। मैंने कल ही इसका वीडियो अपलोड कर दी, जिससे आपको सूचना इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि SSSC 3rd मंथ का रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों, तो मैंने उसमें बताया है बहुत सारे स्टूडेंट का है जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जिन स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया उनका कब तक आएगा। दोस्तों, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ने उसमें बहुत सारे कमेंट किए, DOB भेजा है अपना रोल नंबर, एडमिट कार्ड, सॉरी DOB भेजा है अपना एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन नंबर, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दी कि सर हमारा रिजल्ट तुरंत चेक करके बताइए, चेक करके बताइए। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका नहीं आया, क्यों नहीं आया और किन किन का आया है, ये सारी पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए वीडियो, दोस्तों उनको भी पता चलेगा रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसे देखना है और कहाँ पे जाना है, तो सबसे पहले अपने मोबाइल का या फिर अपने कंप्यूटर पे गूगल अपना ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन करने के बाद, जैसा कि मैंने ओपन कर लिया दोस्तों, और यहाँ पर आपको टाइप करना है SSSC रिजल्ट। जैसा कि SSSC के आपने एग्जाम दिया तो SSSC रिजल्ट आप डालेंगे, उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 19 रिजल्ट फरवरी का, जैसे आप इंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको एक साइट मिलेगी, जहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाली साइट जिसमें लिखा रहेगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। नीलेट की ऑफिशियल साइट है, यहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। जैसे कि साइट ओपन हो चुकी है दोस्तों, आपको यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, यानी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ के हैं, तो ये हाईलाइट हो रहे हैं, तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो दोस्तों, किन स्टूडेंट का नहीं आया, मैक्सिमम जिन स्टूडेंट का नहीं आया उन्हीं के लिए ये वीडियो है मैक्सिमम। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट का नहीं आया वो देख सकते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, स्क्रॉल करके दोस्तों साइट पे, जैसा कि इसके इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे थोड़ा जाना है आपको, ये पूरी साइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपको जाना है नीचे, और यहाँ पे आपको जाना है थोड़ा और नीचे, और यहाँ पे जाके आपको रुक जाना है दोस्तों, यहाँ पे रुक जाना। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ माउस से, ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इसे प्लीज़ पढ़िएगा ज़रूर। और ये कहने का मतलब ये फरवरी 2019 SSSC+ रिजल्ट कैन बी व्यूड प्रिंटेड फ्रॉम 28 मार्च, यानी कल रिजल्ट इसका पब्लिश हो चुका है। और स्टार्टिंग फ्रॉम CHDLE HDKKROSM, यानी कि जिनका इन अल्फ़ाबेट से रोल नंबर स्टार्ट है उन लोगों का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, वो प्रिंट कर सकते हैं, ऐसा कहने का मतलब है। तो यानी बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट का जो GO से स्टार्ट है, तो GO इसमें दोस्तों दिख नहीं रहा, इसलिए अभी GO वालों का भी रिजल्ट नहीं आया है। और जिन लोगों का ROSM KK स्टार्टिंग में रोल नंबर के, तो उनका रिजल्ट आ चुका है, वो देख सकते हैं दोस्तों। तो GO वाले परेशान मत हो, उनका भी रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, जैसे आएगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन करूँगा, 1-2 दिन में आ जाएगा उनके लिए, उसके लिए आप चिंता मत करिए। और जिन लोगों का आया है वो देख सकते हैं, अगर GO का आ जाएगा मैं इन्फॉर्म करूंगा। और आपको कैसे देखना है ये मैं आपको दिखा देता हूं, आपको यहां पे जाना है, फिर भी आपको देखना है तो आप यहां जा सकते हैं नीलेट के साइड पे, यहां पे जाके ऊपर थोड़ा आपको जाना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा व्यू रिजल्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक साइट ओपन होगी, आपको थोड़ा ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा SSSC, यहाँ पर आपको क्लिक करना है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे अच्छी है उनके लिए कि जिनका रिजल्ट GO से, यानी कि जिनका रोल नंबर GO से स्टार्ट है और रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पर सर्च रोल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं अपना रिजल्ट, कैंडिडेट नेम से भी सर्च कर सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सा नंबर डाल रहे हैं, जरूर देखिए, अदरवाइज इनवैलिड बता देगा, इनवैलिड बता रहा है तो आपका रोल नंबर गलत है या फिर आपकी DOB गलत है। तो दोस्तों, मैं एग्जामिनेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, यार आपको सिलेक्ट करना है 2019, और दोस्तों उसके बाद सिलेक्ट ऑन वन पे क्लिक करना है, फौरी 2019 का चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको करना क्या है, एंटर रोल नंबर करना है, आपको यहाँ अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर याद रहे कि आप कहाँ पे क्लिक, इस पे क्लिक करेगा तभी रोल नंबर डालिएगा अपना, जो भी आप अपना डालेंगे दोस्तों। आप कैसे देखेंगे तो अपना DOB यहाँ से कैलेंडर से चूज करिएगा दोस्तों, अदरवाइज मिस हो जाता है। तो आपको रोल नंबर यहाँ से आप देख सकते हैं, अपना रोल नंबर यहाँ पे जैसा भी आपकी DOB वो यहाँ से देख सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद अपना मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड जरूर डालना है, जैसे कि ये कैप्चा कोड जैसे कि मैं डाल देता हूँ उसमें 5
05582। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, व्यू करेंगे, आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा दोस्तों, रिजल्ट आ जाएगा और आप वहां से प्रिंट ले सकते हैं या फोटो खींच सकते हैं अपना। तो दोस्तों ऐसे आप रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना है और आपका रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं, हमें अपना रोल नंबर और DOB एप्लीकेशन नंबर भेज दीजिए। मैं आपको जो भी प्रॉब्लम है आपके रोल नंबर में या आपके रिजल्ट में, मैं आप तक उसे स्क्रीनशॉट भेजने की पूरी कोशिश करूंगा और भेजता हूँ। मैंने सभी का कमेंट का रिप्लाई दिया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट।